बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बेकरी बिस्किट की रेसिपी शेयर करने लग गए हैं, चॉकलेट और वनीला। देखें, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसमें हमने कोई बटर का इस्तेमाल नहीं किया। देखें, टू शेप्स हैं इसमें, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे वनीला बिस्किट बनाने के लिए हमें पाल पे एक छलने लगे रखेंगे। उसके बाद 1 कप मैदा ऐड करेंगे, हाफ कप जो है शुगर ऐड करेंगे, 1 पिंच सॉल्ट है मेरे पास, नमक, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। अच्छी तरह छानने के बाद हमको इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ऑयल हम इसमें 2 ड्रॉप जो है, 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मैदा और ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई ड्राई है, तो थोड़ा सा और आप ऑयल शामिल कर लें। देखिए, हमारी अच्छी सी जो है डो तैयार हो गई है, सॉफ्ट सी डो को हम काउंटर पे निकाल लेंगे। काउंटर पे निकालने के बाद हम इसके 2 हिस्से करेंगे डो के। एक हिस्से में हम कोको पाउडर ऐड करेंगे, 1 से 1.5 टेबल स्पून आपने ऐड करना है और इस तरह से इसको मिक्स करके डो में शामिल कर लेना है। ये देखें, अच्छी तरह मिक्सिंग हो गई है कोको पाउडर की। यहाँ मैंने एक डो लिया है और इसको इस तरह से लंबाई में जो है मैं सेट कर लूँगी, 1/2 डो निकाल लूँगी। उसके बाद 1/2 डो जो है मैं इधर से लूँगी, इसको भी इसी तरह लंबाई में कर लेंगे। को हल्के हाथों से इस तरह से रोल करते जाएंगे। रोल करने के बाद इसको दोनों साइड से रोलिंग की थी, उसको लंबाई में रोलिंग कर ली थी। अब हमें इसको इस शेप में कर लेंगे ताकि एक परफेक्ट बिस्किट जो है उसकी बहुत अच्छी डिजाइनिंग हो। देखें, अब इसके कुकीज जो हैं बनने के लिए तैयार हो गए हैं। कुकीज कटिंग कर लेते हैं। ये कितना अच्छा कुकी जो है वो बन के तैयार हुआ है। मेरे पास 2 डो हैं, एकदम मिडल से जो है इस तरह कटिंग कर लेंगे। इसकी भी मिडल से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से एक जो वनीला डो है वो चॉकलेट डो के साथ रखेंगे और इनको प्रेस करके सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो चॉकलेट डो है वो वनीला पे रखेंगे। वनीला डो चॉकलेट पे रखेंगे इस तरह से।
इनको सेट कर लेंगे। तरह से एक चेकदार बिस्किट जो है वो तैयार होगा। हाफ इसकी कटिंग करके, हाफ इसकी कटिंग करके इनको प्रेस करके साथ इस तरह से एक बिस्किट बना लेंगे। इस तरह से प्रेस करके जैसे आपका दिल करे अब बना सकते हैं बिस्किट। इस तरह चेक वाला बिस्किट आपका डिजाइन जो है वो तैयार हो जाएगा। देखिए हमारे तमाम बिस्किट रेडी हो गए, आप इनको बेक करते हैं। हमारा जो पतीला है हम 5 मिनट हमने प्री हीट कर लिया, इसके अंदर हम जो बिस्किट है वो रख देंगे और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। देखिए हमारे जो बिस्किट हैं वो बेक हो चुके हैं, तो इनको ठंडा कर लेते हैं और फिर निकाल लेते हैं। हमारे जो बिस्किट हैं वो ठंडे हो चुके हैं, तो देखिए कितनी अच्छी जाली आई है और बिल्कुल क्रिस्पी है। चलें इसको सर्व करते हैं। अब हमारे जो बिस्किट हैं वो 3 किस्म के बने हैं, मिनी बिस्किट जो है मार्बल, इसके अलावा बिग बिस्किट मार्बल और चेक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।